हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हम जोली किचन। आज मेरे मॉम आपको कोकोनट कैशू चिकन ग्रेवी बनाना सिखाएंगे। सबसे पहले हमने 1 kg चिकन ले लिया है और हम इसमें डालेंगे 4 tablespoon कोकोनट पाउडर, 1 tablespoon जिंजर पेस्ट, 1 tablespoon गार्लिक पेस्ट, 2 tablespoon कोरिएंडर पाउडर, 1 teaspoon गरम मसाला पाउडर या मिक्स स्पाइसेस, 1 teaspoon रेड चिली पाउडर, सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से, 8 cashew nuts और 10 raisins और हमने ये 3 onions ले लिए। अब इसका हम ग्राइंडर में इसको ग्राइंड करेंगे, मैं भी आपको दिखाती हूँ। अब दोस्तों, जो मैंने आपको मसाला वो दिखाया था और ऑनियन दिखाया था, अब हम इसका ग्राइंडर में पेस्ट बनाएंगे। सबसे पहले हमने 4 चम्मच कोकोनट पाउडर लिया था, घरी जो होती है, एक चम्मच हमने अदरक पेस्ट लिया है, 1 चम्मच गार्लिक पेस्ट लिया है, लहसुन पेस्ट, और हमने 8 काजू लिए हैं और हम नमक टेस्ट के हिसाब से लेंगे, लाल मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 छोटा चम्मच और 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर और 10 किशमिश। और दोस्तों, हम इसमें 3 प्याज डालेंगे। और इसमें हम दोस्तों थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका हम पेस्ट बनाएंगे। अच्छा दोस्तों, अब कोकोनट कैशू चिकन ग्रेवी बनाने के लिए हमने मस्टर्ड ऑयल लिया है, इसमें हम थोड़ा सा नमक लेंगे, इसमें हम लेंगे 1 चम्मच गार्लिक पेस्ट और इसमें दोस्तों हम चिकन डालेंगे। और चिकन को हम दोस्तों सॉटे करेंगे। अच्छा दोस्तों, मस्टर्ड ऑयल और थोड़े से नमक में और 1 चम्मच गार्लिक पेस्ट में आपको चिकन डाल के सॉटे करना होगा। अच्छा दोस्तों, अब हमने चिकन सॉटे कर लिया है गार्लिक पेस्ट और नमक के साथ मस्टर्ड ऑयल में। अब हम इसमें मसाला डालेंगे, मैंने आपको दिखाया था, हमने पीसा था ग्राइंडर में। अब दोस्तों, मसाला का जो मैंने पेस्ट बना के आपको दिखाया था, अब हम इसमें डाल के हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसमें पानी डाल के हम इसको प्रेशर कुकर में 2 सीटी पे गलने के लिए रख देंगे। ये देखिए दोस्तों, कोकोनट कैशू चिकन ग्रेवी अब हमारा तैयार हो गया। 2 सीटी लगाने के बाद जब आपका चिकन गल जाए तो आप उसको फिर भूनेंगे और जब आपका ग्रेवी तेल छोड़ने लगे तो इसका मतलब आपकी ग्रेवी बन गई है। आप इसमें और पानी डाल सकते हैं अगर आप इसको ज्यादा थिक नहीं चाहते हो। अगर आप इसको थिक रखना चाहते हो तो पानी मत डालिएगा। अभी मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ इसको। ये देखिए दोस्तों, अब हमने कोकोनट कैशू चिकन ग्रेवी सर्व कर दिया है। बहुत ही सिंपल और लाइट रेसिपी है ये मेरी मॉम की। आप ट्राई करके बताइएगा हमें कि आपको कैसा लगा कमेंट में, और शेयर करना ना भूले दोस्तों अपने दोस्तों के साथ, और इसको आप बना के अपने दोस्तों को भी खिलाइएगा और हमें बताइएगा कमेंट में आपको कैसा लगा ये हमारी मेरी मॉम की रेसिपी। और सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और अच्छी अच्छी ऐसी रेसिपीज, चटपटी रेसिपीज के लिए, मेरी मॉम की रेसिपीज और ब्यूटी टिप्स के लिए दोस्तों, और लाइक करना ना भूलें। Thank you for watching.